मधुबनी में गोपा अष्टमी महोत्सव पर विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन, महिला पहलवानों ने भी दिखाया दमखम। मधुबनी के कोसी दियारा सहित अन्य जगहों पर आज भी कुश्ती दंगल का होता है आयोजन। पुराने पारंपरिक खेल के रूप में कुश्ती का दंगल सर्वाधिक लोकप्रिय है। मधुबनी जिले में आज भी पुराने पारंपरिक कुश्ती दंगल का खेल काफी लोकप्रिय है। खासकर गोपा अष्टमी में जगह जगह इसका भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के नामी गिरामी पहलवान अपना दमखम करतब दिखाते हैं। खासकर कोसी दियारा इलाके में यह खेल सर्वाधिक लोकप्रिय है। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र के कोसी दियारा इलाके के करहरा गांव में 5 दिवसीय गोपा अष्टमी महोत्सव के मौके पर विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मालूम हो कि इस कुश्ती दंगल में महिला पहलवानों ने खूब दमखम दिखाया। दंगल में पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एवं राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश से आए दर्जनों पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। कुश्ती देखने के लिए इलाके के महिला पुरुष, बड़े व जवान सब भारी उत्साह के साथ पहुंचे थे। दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दंगल प्रतियोगिता में लगभग 2 दर्जन पहलवानों ने दमखम दिखाया, जहां कुछ मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ तो कुछ मुकाबले में पहलवानों ने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। दंगल प्रतियोगिता में बिहार के भूषण पहलवान ने यूपी के राकेश पहलवान को पराजित किया। वहीं महिला पहलवानों में वैशाली ने संतोषी को हराया। विजेता पहलवान को पुरस्कृत किया गया। महिला व पुरुष वर्ग के लिए भी आयोजन समिति द्वारा अलग अलग कमेटी बनाया गया था। प्रमुख लोगों में विकास मिश्र, जीवच, सिकंदर पासवान, सोहन सिंह, पंचायत के मुख्य पूर्व मुखिया मिश्री लाल ठाकुर, शिव शंकर राय, अनिल मंडल, अशोक मंडल व अन्य आयोजन समिति में शामिल किए गए हैं। मधेपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट।